हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। कानपुर के बाबा करौली शंकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। ये विवाद उनके दरबार में एक डॉक्टर की पिटाई के बाद बढ़ा है। बाबा करौली शंकर पर अंधविश्वास फैलाने और कई अन्य आरोप लग रहे हैं। इस बीच उनके ऊपर एक और आरोप लगा है। देश भर में चर्चाओं में आए कानपुर के करौली शंकर महादेव पर झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं। देवघर के रहने वाले एक परिवार ने करौली सरकार पर आरोप लगाया है कि बीती 26 जनवरी को वो लोग अपने बेटे के खराब मानसिक स्थिति को ठीक कराने के लिए करौली आश्रम लेकर आए थे। उनके साथ उनकी 55 वर्षीय पिता मुरली महतो भी आए थे, लेकिन अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ अचानक लापता हो गए। देवघर के व्यक्ति हैं, झारखंड देवघर, उमेश यादव जी। उन्होंने सूचना दी है कि वो अपने पिता और अपने 3 भाइयों स्वयं को लेकर के, यानी कि 4 लोग आए थे और 26 जनवरी को करौली आश्रम में उन्होंने बताया है कि वो गए थे। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने किया और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने एडिशनल DCP साउथ के ऑफिस में 9 फरवरी को दी और उसके बाद उनको ढूंढने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही है वो की गई। उनका हालांकि छोटा बेटा भी लापता था जिसे उन लोगों ने ढूंढ करके वो लड़का मिल गया और वो उनके पास है फिलहाल। तो ये प्रकरण जो है वो एक व्यक्ति के गुम होने का है, लापता होने का है। तलाश करने के बाद परिवार को छोटा बेटा तो मिल गया, लेकिन परिवार के मुखिया मुरली महतो का कुछ पता नहीं चला। और जब परिवार ने लापता मुरली महतो के बारे में जानना चाहा तो परिवार को उसके लिए आश्रम की तरफ से हवन पूजन करवाने का सुझाव दिया गया, जिसके बाद परिवार ने हवन पूजन में 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। बावजूद इसके उमेश यादव को पिता मुरली महतो का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बिदनू थाने में तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब बाबा के खिलाफ नोएडा के डॉक्टर ने शिकायत दर्ज करवाई तो ये मामला एक बार फिर प्रकाश में आ गया। हमने इन चीज़ों को समझा है कि क्या वो मेंटली स्टेबल थे, क्या वो उनका स्वास्थ्य ठीक था, किन परिस्थितियों में गए, उनके पास क्या क्या था, उनके पास कार्ड क्या था, उनके पास क्या कोई बैंक का ATM था, क्या उनके पास कोई मोबाइल था, उनके पास कौन कौन से डिटेल थे और जाने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। तो सभी तथ्यों को हमने समझा है, जानने की कोशिश की है ताकि हम बेहतर तरीके से इस कार्य को कर सके। हमने उनसे स्वयं बात की है, मैंने बात किया उमेश यादव जी से देवघर में टेलीफोन पे आज सुबह, और उन्होंने मुझे सारे वाकये से बताया। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कुछ जानकारियां भी दी और उन सभी जानकारियों को लेकर के हमारा ये प्रयास होगा कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण को साफ करें, उन्हें ढूंढ कर ले आएं। मामला बढ़ता देख कानपुर पुलिस बैकफुट पर आ गई, अब पूरे मामले की तफ्तीश की बात कर रही है। लेकिन खाकी से ये सवाल भी बनता है कि जब पीड़ित परिवार ने शुरुआत में ही घर के मुखिया के करौली सरकार के आश्रम में लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी तो उसी वक्त उनकी शिकायत पर अमल क्यों नहीं किया गया। खैर, करीब 2 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी मुरली महतो का कुछ अता पता नहीं चल सका है, जिससे पूरा परिवार हैरान परेशान है।